सीटेट पेपर वन की परीक्षा में अगर आपकी भाषा हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये ट्रिकी वीडियो आप सबके लिए रहेगा जिसमें आपको हम कुछ थ्योरी कराएंगे और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है कि आपकी किताब में क्या दिया है और क्या आपने पढ़ा है, आखिर इसमें सही क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, इसमें आपका हिंदी 7 से 8 नंबर का कवर हो जाएगा। इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए और इसकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे भाषा क्या है, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, कौन कौन से लेखन कौशल की विशेषता क्या है, लिखना क्या है, सारी चीजें उसके बाद इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सभी विषय की डिटेल थ्योरी प्लस प्रैक्टिस भी कराई जाती है। नोट्स अगर आपको लेने हैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2 साइंस सोशल साइंस सभी नोट्स उपलब्ध हैं। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रक्रिया जान लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा आखिर है क्या? साधारण शब्दों में अगर हम आपको बताएं भाषा, तो आप कहते होंगे कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। बहुत अच्छी बात है। यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन देता है, तो आपको ध्यान रखना है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन में ही मिलेगा, टिक कर दीजिएगा। अगर पूछे कि भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाते हैं, चाहे वो हम लिख करके कहें या बोल करके करें। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? तो समाज का सबसे ज्यादा महत्व होता है। भाषा अर्जन व्यावहारिक है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉपी पेन उठाइए, इनको नोट्स करिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा भाषा कहाँ से सीखता है या मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो ध्यान रखना है आपको अनुकरण के द्वारा प्राथमिक स्तर पर बच्चा सीखता है भाषा को। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, अपने आप ही भाषा बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। नोम चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे में एक डिवाइस पाई जाती है, LAD उन्होंने कहा कि एक डिवाइस पाई जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये क्या है कि भाषा की जो प्रक्रिया है वो सहज और स्वाभाविक होती है। प्रश्न आपसे पूछता है, कई बार पूछा गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का आधार क्या है, हर बार लगभग पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेन जो अंतर है परिवेश का है, क्योंकि अर्जित करने के लिए और आपको यहां पे समझना है कि अर्जित करने में, तो ये मेन अंतर क्या है, परिवेश का है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ये भी स्वाभाविक होती है। अब हम बात करेंगे भाषा कौशल की। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों विचारों को सुनने समझने तथा अपनी बातों विचारों भावनाओं को व्यक्त करने में जिन कौशलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा कौशल कहते हैं। यहां से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, ये ऐसी लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में और यहां पे डैश करके आपको ऑप्शन दे देगा, भाषा कौशल, भाषा व्याख्यात, है ना, भाषा के उपकरण, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है भाषा कौशल है क्या। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण कौशल, बोलना कौशल, पढ़ना कौशल यानी, और चौथा यहां पे लिखना कौशल। हम आपको ये बताने जा रहे थे कि इसको आप सबने ट्रिक्स याद कर रखा होगा, जिनको नहीं पता वो ट्रिक वो याद कर लें। सुबो यानी सुनना बोलना, इसी के आगे अगर हम लिखें सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो सुबोपाली कहते हैं इसको एक सीक्वेंस में। भाषाई कौशलों में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रमुख कौन है, मुख्य कौन है, तो श्रवण कौशल, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तभी वो आगे की चीजों को कर पाएगा अच्छे ढंग से। तो प्रमुख अगर आपसे प्रश्न में पूछता है तो आप आंसर लगाइएगा श्रवण कौशल प्रमुख है। सुनना तथा पढ़ना, यहां पे आपने 4 पढ़े हैं, तो 2 इसमें से क्या होंगे, अभिव्यक्तात्मक होंगे और 2 होंगे ग्रहणात्मक। अब ग्रहणात्मक अभिव्यक्तात्मक से एक प्रश्न आता है,
लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में भी आता है, संस्कृत हो, हिंदी हो, असम हो, इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक क्यों कहा गया, क्योंकि आप ग्रहण कैसे करेंगे, कोई कुछ कहना चाह रहा कैसे, या तो आप उसको पढ़ करके ग्रहण करेंगे, ठीक है, या तो आप सुन करके, भाई न्यूज़पेपर आप पढ़ करके चीजों को ग्रहण करते हैं, सूचना को, न्यूज को, और सुनते हैं और देखते हैं कैसे, टेलीविजन पे या रेडियो पे। तो सुनकर के पढ़कर के आप चीजों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वही चीज हमने आपको बताई। बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, मतलब अगर हमें अपनी बात को कहना है तो हम कैसे कहेंगे, या तो लिख करके कहेंगे या तो बोल करके कहेंगे, तो वही बात कही जा रही, बोलना तथा लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है, इनके द्वारा अभिव्यक्ति होती है। श्रवण कौशल, जैसा कि हमने आपको बताया कि चार भाषाई कौशलों में प्रमुख कौन है, तो श्रवण कौशल है, अर्थात हम ये कह सकते हैं निचोड़ के रूप में कि श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास का आधार होता है, मेन बेस यही होता है। प्रश्न आपसे पूछता है कि किसी भी भाषा को सिखाने का तात्पर्य क्या है, तो किसी भी भाषा का अगर आपको ज्ञान है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस भाषा का संदर्भ के अनुसार प्रयोग कर पाए या फिर भाषा का प्रयोग कर पाए, जैसे भी ऑप्शन आपको दे दे। तो यहाँ पे अगर पूछे आपसे कि लेखन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो जो आप लिख रहे हैं उसमें विचारों की अपनी अभिव्यक्ति हो, या फिर अगर आप आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपकी परीक्षा में मिलेगा और वही आपका सही होगा, इसीलिए ये निचोड़ है आपके लिए। तो अगर पूछता है कि लेखन कौशल में महत्वपूर्ण, या तो अपने अनुभव की अभिव्यक्ति होगा, आंखों देखी घटना को लिखना होगा ऑप्शन में, या तो विचारों की अभिव्यक्ति लिखा होगा, या मौलिक विचार होगा, या अपने अनुभवों का वर्णन होगा। कहानी वाला एक प्रश्न पूछता है कि कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, तो कहानी जैसे ही आपको क्वेश्चन में लिखा हो, बट ये देख लीजिएगा कि प्रश्न सकारात्मक है, मतलब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि उद्देश्य है, या फिर ये पूछ रहा है उद्देश्य नहीं है। अगर प्रश्न सकारात्मक है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये जरूर दिया होगा कल्पना शक्ति का विकास करना, या फिर लिखा होता है तर्क शक्ति का विकास करना, या कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति दोनों ही दिए होते हैं। प्रश्न आपसे पूछता है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो अभी भी हमने आपको बताया कि किसी भी भाषा की अगर जानकारी है, इसका मतलब आप उसका प्रयोग भी कर पाए। इसी तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, या संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। इस तरीके से ऑप्शंस आपकी परीक्षा में आते हैं। लिखना क्या है, तो लिखने के द्वारा हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाते हैं, जैसे हमें किसी को, मान लिया प्रिंसिपल को आप क्या है एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उससे क्या हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो इसीलिए कहा गया लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, भाषाई कौशल, यहां से भी एक प्रश्न बनता है, तो ये मान करके चलिएगा कि 7 से 8 नंबर का काम आपका हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करिएगा, सारे प्रश्न आपको इसी थ्योरी पर आपको मिल जाएंगे। भाषाई कौशल की बात करें, अगर हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि एक क्रम से ही सीखे जाएं। कई प्रश्नों में इसमें विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले सुनना ही सीखे सुबोपाली, ये क्रम होता है, बट कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे में सेम ही हो। इसके लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, पहले क्वेश्चंस को करिए, फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। देखिए 15 से 20 क्वेश्चन होंगे टोटल, बता दें आपको कितने, लगभग देख लेते हैं आपके सामने ही देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमने 16 प्रश्न रखे हैं आपके लिए, ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। 16 क्वेश्चन में देखिए आप कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो केवल वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, आंसर जाएगा संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रश्न संख्या 2, सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। किसी भी भाषा का अधिकार है आपको, इसका मतलब यह है कि आप उस भाषा का प्रयोग भी कर पाए, व्याकरण भले ही ना पता हो, बट अगर आपको प्यास लगी है तो उस भाषा में आप अपने शब्द को बता पाए, है ना, संस्कृत हो, हिंदी हो, या इंग्लिश हो, जिस भी भाषा हो उसको आप प्रयोग कर पाए। ग्रहणात्मक कौशलों में शामिल कौन सा है, 100% एक क्वेश्चन यहां से आना है आपकी परीक्षा में, पेपर देके आइएगा, मिला लीजिएगा वापस। क्वेश्चन नंबर
तीन आपके सामने ग्रहणात्मक, ग्रहण कैसे करेंगे आप, या तो पढ़ करके करेंगे या तो कैसे करेंगे, पढ़ करके या तो सुन करके। तो आंसर जाएगा यहां पे तीसरा विकल्प, पढ़ना और सुनना। अगला देखिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल में कौन से आ जाएंगे, तो अभिव्यक्त आप कैसे करेंगे, अभिव्यक्त कैसे करेंगे आप, अपनी बात को किसी तक पहुंचाना है तो कैसे, या तो लिख करके या तो बोल करके। तो यहां पे लिखना और बोलना हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक। दोनों में अंतर समझ गए होंगे ना आप, ग्रहणात्मक सुन करके या पढ़ करके आप ग्रहण करेंगे, अभिव्यक्त कैसे करेंगे, या तो बोल करके या तो लिख करके। तो यहां पे दूसरा विकल्प। पांचवा प्रश्न, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है, प्रश्न संख्या पांच। देखिए यहां पे लिखा है, ये तो बिल्कुल ट्रिकी बेस्ड हो गया। पहली बात तो हमने आपको थ्योरी में बता रखा है कि चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, और वैसे भी यहां पे केवल लिखा है, केवल वाला ऑप्शन क्या होता है, गलत हो जाता, तो ये तीनों कट गए। पढ़ना कौशल में डैश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि उसका अर्थ भी आप ग्रहण कर पाए, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही होगा। बोलना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न संख्या सात है आपके सामने, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि जो भी बात आप कह रहे हैं वो संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार कह रहे हैं, समझ करके बोल रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आंखों देखा तब होता है जब कहता कि लिखने के लिए आप सबसे बेहतर कौन सा है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसका अर्थ भी ग्रहण कर पाए, तभी तो पढ़ना सफल होगा। तो यहां पे चौथा विकल्प सही होगा। लिखना क्या है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, हमने आपको बताया अभी थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कोई आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, आखिर माना किसका जाए सही, आप भी परेशान है, आपकी किताब में भी कुछ और दिया है। देखिएगा इस पैटर्न के दो प्रश्न आपके और कराएंगे। तो यहां पे कहा जा रहा अंतर संबंधित नहीं होते, बात गलत हो गई। ठीक है, प्रभावित नहीं करते, बात गलत हो गई। आंसर जाएगा भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, पहला ऑप्शन यहां पे सही होगा। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन से, तो आधार हमने क्या बताया था, सुनना आधार है, श्रवण कौशल आधार है, जिस ऑप्शन में श्रवण वाला हो वही इसका सही जवाब होगा, तीसरा विकल्प। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह प्रश्न आप लोग बहुत ज्यादा गलत करते हैं, और अभी अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो सीटेट की ऑफिशियली वेबसाइट पे सीटेट 2019 का पेपर और आंसर की अपलोड होगा, उसको मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप इसका आंसर गलत बता रहे हैं, हमने तो ये पढ़ा है, हमारी किताब में तो ये दिया हुआ है। सत्य कथन पूछ रहा है, स्वतंत्र होते कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये अंतर संबंधित होते हैं, प्रभावित नहीं करते कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्रम से सीखे जाए ये कोई जरूरी नहीं, हमने आपको बताया था। तो आंसर क्या जाएगा, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम कोई जरूरी हो ये जरूरी, मतलब एक क्रम से ही सीखे जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इस बात का प्रूफ यहां पे आप देख पाएंगे, सीटेट 2019 की परीक्षा में ये प्रश्न दिसंबर वाली में या जुलाई वाले में किसी में पूछा गया है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, यहां पे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, और यहां पे ही लगा हुआ है, अर्थात यही इसका आंसर होगा कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात क्या है, गलत है, और यही सीबीएसई ने आंसर दिया है, हमने आपको बताया, आप ऑफिशियली पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं, संभव होगा तो यहां पे हम अपलोड कर देंगे। वैसे इसको हम कई बार सॉल्व करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में हम आपको हल करा चुके हैं, यहां पे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें हमने आपको प्रूफ दिखाया है कि सीटेट ने क्या आंसर दिया है। अब देखिएगा यहां पे आपको ये बात तो पता चल गई कि एक क्रम में ही अर्जित किया जाता है, ये बात गलत है। इस बात से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि अगर ये कथन गलत है इसका मतलब है ये तीनों कथन सही होंगे, ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अरे भाई कोई प्रश्न का अगर उत्तर ये सही हो गया, ठीक है, ये सही हो गया अगर इसका उत्तर, इसका मतलब क्या होता है कि ये गलत है बाकी के विकल्प। तो यहां पे आपको यह बात सीखने में मिल रही है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये बात सही है।
भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी बात सही है। तीन बात सही है, एक बात गलत थी, गलत वाला ही आंसर था, तो इसका तो आंसर दो जाएगा। बट यहाँ पे आपको जो जानकारी मिल रही वो ये है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। उसी बात को आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा कि भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये बात क्या है, गलत है ये वाला, इसीलिए इसका आंसर होगा। अगला देखिए, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, प्रश्न संख्या 14। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसका अधिकाधिक प्रयोग करना, तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है, मेन जो अंतर होता है वो परिवेश का होता है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, कहानी जैसे ही देखना है आपको कल्पना शक्ति वाला ऑप्शन टिक कर देना है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पे उस वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है जिसमें हमने आपको प्रूफ दिखाया था कि सीटेट ने आंसर उसका क्या दिया है, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देखिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।